हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, इस तो पिछली वीडियो दे विच आपां गुरु उपदेश कविता की दोहराई की है। सारी कविता की तुहानू व्याख्या दस के नाल नाल उहदे जिहड़े हैगे NCERT क्वेश्चन आंसर दसे गए। तो हुण आपां इस वीडियो दे विच गुरु उपदेश कविता के एक्सट्रा प्रश्न उत्तर बारे डिस्कस करांगे। जिवें कि तुहानू दसिया गया है कि तुहानू बुक पार्ट के 14 MCQ जिहड़े आउणगे एक्सट्रा जिहड़े पाठां दे विचों जां कवितावां दे विचों पुछे जाणगे NCERT क्वेश्चनां तों बिना, उन्होंने आधार पर तुम्हें जोड़ा है वो तो वह MCQ तैयार करवाए जा रहे हैं। तो 14 MCQ आने हैं। सब तो पहला सारे पाठों के जोड़े है राइटर नेम प्लस कवितावान के भी राइटर नेम याद करने हैं। हूँ अपने को गुरु उपदेश कविता सब तो पहले देखनी है कि पवन हरचंदपुरी की लिखी हुई है, यानी कि कवि का नाँ है पवन हरचंदपुरी। नैक्सट बहु विकल्पी प्रश्न उत्तर है गुरु उपदेश कविता किसकी रचना। देखो पहला ही प्रश्न आ गया, गुरु अमरदास जी, जसवंत सिंह सेखवा, कश्मीर नीर, पवन हरचंदपुरी। ठीक है, किन्हां दी लिखी हुई है? पवन हरचंदपुरी दी लिखी हुई है। गुरु अमरदास जी की कविता तो उन्होंने गौड़ी वैरागण शब्द दिता होया पहला ही जो साहित्यक रंग बुक किरणा बुक दे विच है, सॉरी। ठीक है, गुरु अमरदास जी की याद रखनी है गौड़ी वैरागण, कश्मीर नीर की गुमने रसोई विचों, तो पवन हरचंदपुरी की गुरु उपदेश कविता। तीन कवितावान तुहाडे जिहड़े सिलेबस दे विच है। पवन हरचंदपुरी द्वारा लिखी कविता कीड़ी है? कुख की आवाज़, गुरु उपदेश, माण पंजाबी का मिजमानी। देखो भी सेम क्वेश्चन मतलब चेंज होकर आ गया, हूँ पहला की सी गुरु उपदेश कविता किसकी है, तो हूँ पवन हरचंदपुरी द्वारा केड़ी कविता लिखी गई है? गुरु उपदेश। खालसे की सिरजना की श्री गुरु नानक देव जी ने, श्री गुरु अर्जन देव जी ने, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, खालसे की सिरजना किसने की है? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। साढ़े दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने की किया सी? पंज मतलब प्यारियां नू साज के खालसे की सिरजना की सी। जुलम नू खत्म करन वास्ते, जुलम दे नाल टक्कर लैण लई उन्होंने खालसा साजिया सी, जात पात खत्म करके। नैक्सट क्वेश्चन है जी, दसौंद जां दसवंद तो की समझदे हो तुसी? रूहानी, प्रकाशवान, दया नीति ते कमाई दा दसवां हिस्सा। ठीक है, दसवंद की है? इतने कमाई का दसवां हिस्सा, 1/10 ऑफ द इनकम, यानी कि कमाई का दसवां हिस्सा की है? लोड़वंदा के लेखे लाने लिए। साढ़े धर्म के गुरु साहबाना ने उपदेश दिता सी कि कमाई के दसवंद कढ़िया जाए, भाव की है कमाई का दसवां हिस्सा दान किया जाए लोड़वंदा। ककारा की गिनती किन्नी है? साढ़े दसवें पातशाह गुरु जी ने की किया सी? खालसा साज के। ठीक है, उन्होंने पांच प्यारियां नू पांच बाणियां दसियां कि पांच बाणियां दा नितनेम करना है, ते पांच ककार दिते, पांच ककार पहनाए, कंगा, कड़ा, केस, कशहरा ते कृपान। ठीक है, इस करके किन्ने ककार हो गए? ककार मतलब कक्का अक्षर तो शुरू होण वाले। ठीक है, कक्का अक्षर तो शुरू होण वाले पांच जिहड़े सीगे उन्होंने एक ककार पहनाए सी। तां हुण ककारां दी गिनती किन्नी है? पांच। तां मतलब ये साडी जिहड़ी सुरक्षा वास्ते उन्होंने ककार पहनाए। दस गुरुआं ने केड़ी जोत वाली? सिखी दी जोत वाली। कविता दे विच पहली लाइन ही आउंदी है दसां गुरुआं सिखी दी जोत वाली। ठीक है, रोशन शमा रहूगी जग अंदर, तो हुण केड़ी जोत वाली है? सिखी दी जोत वाली है। धर्म की सांझ किस दे नाल है? रहम नाल, रहम ते करम नाल, खालसे नाल, दसवंद दे नाल। धर्म की सांझ बच्चो कि दे नाल है? रहम ते करम नाल। कविता दे विच सैकेंड पैरे की पहली लाइन है रहम करम ते धर्म की सांझ गूढ़ी। ठीक है, तो हुण धर्म की सांझ किहदे नाल होगी? रहम ते करम नाल। साढ़े धर्म दे विच गुरु साहिबाना ने उपदेश दिता है कि रहम ते करम की जिहड़ी बहुत महत्ता है। करम मतलब हत्थीं काम करना, रहम मतलब किसी ते दया करनी। ठीक है, किरत कमाई करनी ते दया करनी। सोच उत्ते की भारू नहीं होण देना चाहीदा? गर्मी, हंकार, गुस्सा के रहम। ठीक है, कविता दे अकॉर्डिंग गर्मी जिहड़ी सोच दे उत्ते भारी नहीं होनी देनी चाहिए। वह कहिंदे भी ये गर्मी जिहड़ी अपने घर साड़ दिंदी है सानू अपनी। इत्थे कर्म गर्मी बेटे जिहड़ी हैगी गुस्से का प्रतीक ही उन्होंने लिया। ठीक है, सानू अपनी किरत विच्चों की कढ़ना चाहिए? देखो जिहड़ा तीजा क्वेश्चन सी सेम ही मतलब चेंज हो गया, दसवंद कमाई चों की कढ़ना चाहिए? दसवंद, दसवां हिस्सा किनू देना है? लोड़वंदा नू। किस दी राखी करनी चाहिए है? गऊ, गरीब, औरत, इन्हां तिन्नां दी। कविता दे विच लाइन आउंदी है बेटे गऊ, गरीब ते औरत दी करो राखी। ठीक है, तो इस करके की हो गया? किस दी राखी करनी है? तिन्नां दी राखी करनी है। गुरु जी ने खालसे दा रूप किस तरह दा शिंगारिया है?
लोगों जगाउन वाला, जुलम नू खत्म करन वाला, जुलम दे नाल चलन वाला इन्हां विचों कोई नहीं। किहड़ा रूप सांझिया उन्होंने खालसे का? जुलम नू खत्म करन वाला। वह कहिंदे जुलम नू खत्म करना, जुलम करना भी नहीं तो जुलम सहना भी नहीं। जिहड़ा जुलम करता उस जुलम दे नाल टक्कर लैनी, भाव टक्कर लैके उस जुलम नू आपां खत्म करना है। इस लाइन कविता च लाइन है, ठीक है, फस्ता जुलम दा वढ़ना। फस्ता वढ़ना मतलब उस जुलम दा फाहा वढ़ना, भाव उस जुलम नू खत्म कर देना। शक्ति किस विचों मिल सकती है? नाम की भगती विचों, नाम सिमरन राही, नाम की भगती तो बिना भगती दे नाम विचों, ठीक है। किस विचों शक्ति मिलेगी? नाम की भगती विचों, ठीक है। मतलब साढ़े गुरु साहिबाना ने छेवें गुरु जिहड़ा सी गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने की किया सी, मीरी पीरी दो तलवारां धारण कीतियां सी, तां उन्होंने जिहड़ा सीगा भगती नू शक्ति दे नाल जोड़ता सी, ठीक है, कि जुलम नू खत्म करना। धर्म दे नाल नाल भगती करन दे नाल नाल उन्होंने की सी मतलब राजसी शक्ति जोड़ती सी कि असीं जुलम नू खत्म करना है। सिक्खी दी जोत किसने बाली? पंज गुरुआं ने, सिखां ने, सारे गुरु साहिबानां ने, भाव दस गुरुआं ने, इन्हां विचों कोई किन्हां ने? दसां गुरुआं सिक्खी दी जोत वाली। तां किहड़ा होगा हुण आड़ा ऑप्शन? सारे गुरु साहिबानां ने। साडे मन मंदर नूं सूरज वांग कौन लिशकाएगी? जोत प्रकाश दिव्या जोत सिक्खी दी जोत, सिक्खी दी जोत साडे मन मंदर नूं हमेशा जिहड़ा की है लिशकाएगी, उहनूं रोशनी करती रहेगी, सेध देवेगी। दसवंध किस दे लेखे लाउणा? ऑलरेडी आपां कर चुके, लोड़वंदां दे लेखे लाउणा। इस जग विच कोई भी उच्चा नहीं, खाली थां ते किहड़ा शब्द आएगा? लम्मा नीवा हेठां उपर। इस जग विच कोई भी उच्चा नीवा नहीं, ठीक है, की आएगा? नीवा। कोई उच्चा नीवा नहीं इस जग अंदर, ते दस्या कविता दे विच इको नूर इलाही दे सब बंदे की है, सारे जिहड़े हैगे हैगे इको नूर इलाही, भाव इको रूहानी शक्ति, भाव इको परमात्मा ने पैदा किए हुए है। सानू किसी नू भी किहड़े बोल नहीं बोलने चाहिए? मंदे चंगे मिठे झूठे। सानू किसी नू भी मंदे बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि दस्या है कि सारे इको रब दे पैदा किए हुए, इको नूर इलाही तो पैदा हुए रब दे बंदे है। सानू किहड़े राह नहीं पैना चाहिए? पिंड दे जबर जुलम दे वैर दे भेदभाव दे, जबर जुलम दे कदे नहीं राह पैना, ठीक है। लाइन आउंदी है लालच विच आ के धियां वेचना ना, भाव जबर जुलम दे राह च नहीं पैना चाहिए, तो लालच नहीं करना किसी लालच दे विच आ के, भाव आपदियां धियां वर्ग वेचण वर्गा कोई कुरीति जां पाप नहीं करना चाहिए। नितनेम दियां किन्नियां बाणियां? चार बाणियां, पंज बाणियां, छे बाणियां कि अठ बाणियां? पंज बाणियां नितनेम दियां जिहड़ियां साडे गुरु साहिबानां ने दित्तियां सी, ठीक है। इस तरह बच्चों इह तां जिहड़े हैगे इस पाठ दे एक्सट्रा प्रश्न उत्तर, ते बाकी रहिंदे प्रश्न उत्तर आपां जिहड़े हैगे क्लास दे विच डिस्कस करांगे, ते उस तो बाद तुहाडा जिहड़ा हैगा इस कविता दे फुल एक्सट्रा क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर दा टेस्ट लिया जाएगा। धन्यवाद।